हेलो दोस्तों, आज मैं ये नई डिज़ाइन का डोरमेट सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने पुरानी चुन्नियाँ और साड़ियाँ ली हैं। ये देखिएगा, ये कितना सुंदर लग रहा है। ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। आइए मैं इसको बनाना देखें। मैं नई डिज़ाइन का डोरमेट सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने 3 फिंदे डाले हुए हैं, ये देखिएगा। ये तीनों फिंदों को हम इस तरह से बिन लेंगे पहली सिलाई में, और दूसरी सिलाई में इस तरह से हम एक फिंदा बढ़ा लेंगे। एक इधर से बढ़ाएंगे और एक इधर से बढ़ाएंगे। ये देखें इस तरह से। ये देखिएगा, कलर चेंज करेंगे। ये देखिएगा, इससे भी हमने एक फिंदे को बढ़ा लिया है। बाकी फिंदे हम इस तरह से बनाएंगे। अब इधर से देखिए, ये देखिएगा। ये इसी तरह से बनाएंगे। अभी हम दो लाइनें बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे का किस तरह से बनना। पीले की दो बना ली हैं, एक नीले की बना ली है। अब देखिएगा किस तरह से हम बनाएंगे। ये अभी तक फिंदे बढ़ रहे थे, अब एक साइड हम फिंदे को बढ़ाएंगे और एक साथ हम एक तरफ हम घटाएंगे। इस तरह से दो का एक कर लिया। फिर से देखिएगा, इस तरह से हम घटाएंगे इसको। ये रो हम पूरी इसी तरह से ले जाएंगे। ये देखें, अब हम एक साइड इस तरह से बढ़ाते रहेंगे, एक फिंदे को बढ़ाएंगे, उधर से एक को हम कम कर देंगे। आप जितना साइज बड़ा बनाना चाहें उतना बना सकती हैं, और जितनी रो आप डालना चाहें, लाइनदार बनाना चाहें बना सकती हैं। ये हम छोटा साइज बता रहे हैं, आप बड़ा बना सकती हैं। ये देखें, फिर हम इस तरह से कम कर देंगे। अब ये वाला कलर लगाएंगे। ये इसी तरह से हम कंप्लीट करके फिर ऊपर की साइड पे हम घटा देंगे सारे फिंदे। ये इसी तरह से कंप्लीट होगा। इसके हम 4 बनाएंगे, और वो भी जैकेट की तरह, जिस तरह से आगे खुली हुई जैकेट बनती है उसी तरह। अब इधर अभी इधर साइड घट रहे थे, अब हम जो दूसरा पल्ला बनाएंगे तो इधर साइड घटाएंगे। इसी तरह से हम 4 पल्ले बनाएंगे, फिर आपको दिखाइएगा। मैंने 4 पल्ले बना लिए हैं। ये देखिएगा जुड़ेंगे कैसे, जिस तरह हम जैकेट बनाते हैं इस तरह से आगे खुली हुई रखते हैं, इसी तरह से इनको भी इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ तक सिलना है। और ये देखिएगा, इस तरह से इनको इस तरह से हम जोड़ देंगे। ये डिजाइन हमारी बनके तैयार हो गई है, ये इसी तरह से कंप्लीट होगा। अब हम आगे का बताएंगे। ये देखिएगा, अब हमने 8 फिंदे डाले हुए हैं, इनको मैं यहाँ पे मैं पत्ती बनाऊंगी। दो बना लिए हमने ब्लू से, बाकी फिंदे इसी तरह से रहेंगे, और दो हम नीचे की साइड से छोड़ देंगे। ये देखिएगा, 8 फिंदे हैं, 4 नीचे हमने उतार लिए हैं बगैर बुने हुए, और 4 बुन लिए हैं ऊपर। ये देखें, अब ऊपर का बनाएंगे। अब ये भी दो दो करके हम छोड़ देंगे, फिर आगे का मैं बताती हूँ। ये देखें, हमने छोड़ लिए हैं पूरे फिंदे। अब देखिएगा, ये दो फिंदे हम बिन लेंगे, और दो ऊपर की साइड पर अब पड़ रही कली। ये सारे फिंदे हम बुन लेंगे, इसी तरह से हम ऊपर आ जाएंगे, फिर दिखा। ये देखें, इस तरह से कली बनेगी। ये हमने कली बना ली है,
अब देखना कलर चेंज करेंगे, ये कलर यही रहेगा पूरी सिलाई में। इससे निकाल लूँगी एक सीधी तो एक उल्टी, उल्टी जा रही है तो सीधी हम बाद में निकाल लेंगे। फिर उसके बाद जिस तरह से हमने नीचे डिजाइन स्टार्ट की है उसी तरह से हम बनाएंगे। इसके हम दो पीस बनाएंगे, ये देखिएगा इस तरह से। अब यहाँ से फिर दो ब्लू करने लगेंगे और ये फिंदे छोड़ने लगेंगे। हमने थोड़ा बड़ा बनाया है, आपको हम थोड़ा छोटा बता रहे हैं। ये देखिएगा दो बनके तैयार हो गए हैं। ये देखें अब मैंने आठ फिंदे डाले हुए हैं। यहाँ मैं पत्ती बना रही हूँ, एक फिंदा नीचे से हम छोड़ देंगे। ये अभी इसी तरह से हम जब चार फिंदे छोड़ लेंगे फिर हम आपको दिखाते हैं आगे का। ये देखें हमने चार फिंदे छोड़ लिए हैं और अब कलर चेंज करेंगे। चार फिंदे हम ये ब्लू कलर से बनाएंगे। इसी तरह से हम एक एक फिंदे को छोड़ते जाएंगे और ऊपर की साइड पे बढ़ते जाएंगे। ये देखिएगा चार फिंदे, इस फिंदे को हम सीधा बिनते हैं, ये ऊपर तक आ जाएंगे, फिर आपको हम दिखाते हैं। ये देखिएगा नीचे से लेके ऊपर तक हमने एक एक फिंदा छोड़ लिया है। अब देखिएगा किस तरह से बनेगा। दो फिंदे हम बनाएंगे, दो के बाद सिलाई हमने यहीं से पलट ली। अब देखिएगा फिर एक बुन लिया, फिर यहीं से सिलाई पलट ली। अब एक एक करके इसी तरह से हम नीचे तक जाएंगे तो ये भी कली बन के तैयार हो जाएगी। ये इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिएगा इस तरह से कली बन के तैयार हो। मैंने तीन कलर लगाए हुए हैं और दो कलर में मैंने आपको बताया है। इस तरह की छह कलियाँ बनेंगी। ये देखिएगा हमने छह कली बना ली हैं, अब हम जोड़ना सिखाएंगे। ये देखें हम इसको जोड़ेंगे, पहले ये हमने सीधा रख लिया इस तरह से और इस साइड से इस तरह से हम सिल देंगे इसको, और लाइन से लाइन मिलाना चाहिए इसकी। लाइन से लाइन मैं मिला रही हूँ, नहीं तो बद्दल लगेगा सिलने के बाद। जो ग्रीन है तो हम ग्रीन की जगह पे सिलेंगे और रेड है तो हम रेड की जगह पे सिलेंगे। ये इसी तरह से हम सिलेंगे। देखें इसको हमने सिल दिया है। अब देखिएगा ये देखें इस तरह से हम सिल देंगे इस तरह से, तो इनको हम यहीं से सिल देंगे। ये रेड रेड सिलेंगे, ये इसी तरह सिल के। ये देखें हमने सिल लिया है इसको। अब मैं इनको जोड़ना सिखाऊंगी इनको। ये देखें एक हम यहाँ पे लगाएंगे और एक इस तरह से और एक इस तरह से। ये इसी तरह से अभी हम सिलेंगे फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें ये इस तरह से हमने तीनों को जोड़ लिए हैं। अब इस तरह से इसको ये देखें यहाँ से लेके हम यहाँ तक इसको सिल देंगे। ये इस तरह से
ये इसी तरह से हम दोनों साइड सिल लेंगे, फिर आपको हम दिखाते हैं। अब ये देखिएगा जो हमने दो बनाए हैं उनको हम इस साइड एक इस साइड लगाएंगे, एक इस साइड लगाएंगे। अब इस साइड से देखिएगा ये वाला कोना, और उस वाले कोने से मैं इसको सिल दूंगी। इस तरह से ये इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिएगा मैंने सिल लिया है, ये कंप्लीट हो चुका है। ये देखिएगा कितना सुंदर लग रहा है, इसी तरह से बनेगा। और ये मैंने फुल साइज बनाया है मेन गेट के लिए, ये इसी तरह से बनेगा।